अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और मेरे हमजुबान, आप दुनिया में कहीं भी रह रहे हो, आपको खुशियां नसीब हो। आज जो मेरी वीलॉग है वो ड्रोन के ऊपर है और जो DJI Phantom 4 Pro Plus इसके ऊपर आज का मैं वीडियो बनाऊंगा। और इसके अंदर मैं फ्लाई तो नहीं करवा दे सकता, लेकिन मैं इसके साथ कुछ वीडियो लिंक करूंगा जो मैंने इससे रिकॉर्ड की हुई हैं। तो आपको ये इसलिए एक मुझे काफ़ी डिमांड आ रही थी कि आप जो इसके ऊपर भी कोई वीलॉग बनाएं, क्योंकि इंग्लिश में लोगों ने तो बहुत सारी बनाई हुई हैं तो उर्दू में बहुत कम है। तो लिहाजा मैं आपके सामने एक DJI Phantom 4 Pro Plus वो लेके आया हूँ। ये ड्रोन है और इसकी शक्ल मैं आपको पहले भी दिखाई है इस किस्म की। ये एक्चुअली जो प्रो है और प्रो प्लस, उसमें सिर्फ फर्क है इतना रिमोट कंट्रोल का, वेयर एज बकाया हर चीज कॉमन है, सेम है, रेंज भी वही है, कैमरा भी वही है, यानी कि हर चीज वही है, इसमें कोई फर्क नहीं है DJI Phantom 4 Pro में या 4 Pro Plus में। फर्क ये है कि उसका जो रिमोट है उसके अंदर ये बिल्ट इन LCD नहीं है। 4 Pro Plus के अंदर ये स्क्रीन उसकी होती है LCD, ये काफी ब्राइट है, वेयर एज बकाया रिमोट वो सेम टू सेम है, सिर्फ इस चीज का फर्क है। अभी इसके अंदर मैं इसको आपको ऑन करके दिखाऊंगा कि इसकी खूबियां क्या है। कि इसके अंदर देखिए आप उसके अंदर ये बैक साइड पे ये चीजें SD कार्ड लगाने के लिए नई चीजें थी, उसके अंदर ये USB था और HDMI थे, तो बकाया चीजें नहीं थी। लेकिन इसके अंदर देखिए ये 4 स्लॉट्स हैं जिसके अंदर आप वो कर सकते हैं, यानी कि रिमोट का भी फर्क है। अब इसकी जो स्क्रीन है, नॉर्मली हम जो DJI Phantom 4 या 4 सीरीज जो भी है उसको हम जब यूज करते हैं तो टेलीफोन साथ लगाते हैं या iPad वगैरह साथ उसको अटैच कर देते हैं LCD की बजाय। लेकिन जब सूरज के अंदर डे लाइट में हम जाते हैं तो हमें उसके कवर लगाने पड़ते हैं ताकि वो जो रोशनी है वो आपको जो विजन है आपकी वो सही रहे। अगर आपने कोई चीज उसको कवर नहीं लगाया तो आपकी जो विजन है वो कमजोर पड़ जाती है। तो लिहाजा इसलिए ये जो है ये एक्स्ट्रा ब्राइट है। इसके अंदर मैंने मेमोरी अपनी बिल्ट इन भी है, और इसके अलावा ये याद रखिएगा कि इसका आप सूरज की लाइट पड़ भी रही हो तो तब भी आप इसको, देखिए मैं आपकी तरफ करता हूं तो मेरी अपनी वीडियो खराब होना शुरू हो जाती है, इतनी रोशनी है इसकी। तो इसके अंदर ये है कि आप जहां चाहें इसको ले जाएं, जितनी मर्जी रोशनी हो ये उसमें काम करता है। इसके अलावा इसी के अंदर आप जो वीडियो बना रहे हो उसके अंदर एडिटिंग कर सकते हो। मजेदार बात यह है कि आप इसके अंदर मिक्सिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो। अगर आपके अंदर पिक्चर खींची है या वीडियो बनाई है, कुछ भी किया है, तो आप इसी के अंदर उसकी एडिटिंग कर सकते हो। जो इसका बिल्ट इन म्यूजिक सिस्टम है DJI का, उसमें से आप फ्री ऑफ कॉस्ट सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा म्यूजिक आप ऐड करना चाहते हो, या आप कोई भी यूट्यूब से या किसी से भी आप डायरेक्ट ले सकते हो। प्लस एक इसकी खूबी यह है कि आप डायरेक्ट यूट्यूब के ऊपर भी लाइव पिक्चर दिखा सकते हो, स्ट्रीमिंग जो कहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, जैसे नॉर्मल हम अभी वीलॉग जैसे बनाते हैं या क्रिकेट मैच आ रहा था लाइव आ रहा होता है, न्यूज आ रही थी, इसी तरह आप इसके थ्रू लाइव आप इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हो। लेकिन हाँ, वो प्योर वीडियोज होंगी, उसके अंदर ये जो म्यूजिक मिक्सिंग है ये चीजें नहीं होंगी। लेकिन सबसे बेस्ट जो मैंने एक चीज नोट की है वो इसके अंदर है वीडियो एडिटिंग। आप ये याद रखिएगा कि ये आपके जो टेलीफोन है उसके थ्रू भी DJI की जो एडिटिंग हो सकती है, या इसी जो आपका रिमोट कंट्रोल है इसके थ्रू भी यहीं से आप उसकी पूरी एल्बम खोल सकते हैं और उसके अंदर आप उसको मिक्सिंग जिस चीज की चाहते हैं वो मिक्सिंग करें और उसके बाद ये एडिटिंग कर देगा, और यहीं से आप उसको अपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर सकते हो, या आप इसको कंप्यूटर में सेव करना चाहते हो या SD कार्ड में सेव करना चाहते हो उसी हिसाब से इसको यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन याद रखना इसके अंदर जो केयर है, क्योंकि
एलसीडी है, तो इसको ठोकर छोकर से बचाना है, इसको जो कैरी करना है वो भी आप इस हिसाब से चलें कि वो इसको नुकसान ना पहुंचे। मैंने इसके लिए रखा हुआ रुकसैक, और क्योंकि मैं एक व्हीलचेयर इस्तेमाल करने वाला हूं, तो मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर इसको पैक करता हूं, ये मैंने बैग रखा हुआ है, और मेरी ये व्हीलचेयर के पीछे लग जाता है, और उसके बाद फिर मैं इसको लेके कहीं भी इधर उधर चला जाता हूँ। बकाया केयर इसकी जो बैटरीज हैं सेम टू सेम उसी तरह ही, अगर आपने इसको स्टोर करना है तो आप 60% और 70% इसको रखें, लेकिन मिनिमम 30% से नीचे नहीं आनी चाहिए। लेकिन 100% के अंदर भी इसकी स्टोरेज ना कीजिए, क्योंकि उसके अंदर भी नुकसान ये हो सकता है कि जो बैटरीज हैं वो डैमेज हो जाती हैं। तो लिहाजा बेहतर होता है कि आप बैटरीज को 60% और 70% पे रखें जब भी आपने इसको स्टोर करना है। ठंडक से बचाना है, कोल्ड यानी कि ठंडक का मतलब माइनस टेम्परेचर जो है -5, 6, 7, 8 टेम्परेचर में इसको मत रखें। हाँ, ये जो जिस तरह का मैंने रुकसैक रखा है, बैग रखा है, और ये टेम्परेचर से भी बचाता है, -15 टेम्परेचर तक ये बैग जो है वो काम करता है। क्योंकि मैं नॉर्वे में रहता हूँ, तो नॉर्वे के अंदर जो है आपको पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उस लिहाजा मुझे इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो बैटरीज हैं अगर आपकी ठंडी हैं और आपको फ्लाई करने से पहले, इट इज़ मच बेटर कि आप उसको प्लस कोई 15-20 टेम्परेचर में थोड़ी देर के लिए रखें और उसके बाद उनको यूज़ करें। यानी कि अगर यकमुश्त आप उसको माइनस में रखा हो तो उसको डालेंगे तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपके बैटरी सेल्स हैं ना उनको डैमेज होने का खतरा होता है। तो बेहतर यह है कि आप उसको उस हिसाब से चलाएं कि ये आपकी बैटरी डैमेज ना हो पाए। उसके अलावा एक चीज़ जो मैंने इस ड्रोन के अंदर एक चीज़ लास्ट टाइम मैं भूल गया था आपको बताना, कि वो जो मोड की बात कर रहे थे। अच्छा, वो अभी इसके अंदर भी मोड देखें, इसके अंदर भी मोड है, पी है, एस है और ए है, ठीक है। यानी कि मैं बता रहा था उसका जो इसका FPV का, तो FPV में मैं गलत थोड़ा सा बोल गया, तो उसके अंदर उसमें यह था कि जो S मोड है ना वो स्टैंडर्ड मोड है, तो मैं स्टूडेंट मोड कह रहा था जैसे इन दूसरे ड्रोन्स के अंदर है, तो वो उसके अंदर स्टैंडर्ड मोड है, नॉर्मल मोड है और मैनुअल मोड है। अभी वही चीज़ें तकरीबन इसी के साथ मिलती जुलती हैं, इसके अंदर भी मैनुअल मोड उसी तरह के GPS से आप आउट हो जाते हैं, और आप फिर यह है कि आपके एक्सीडेंट होने के ज़्यादा अंदेशा होता है, क्योंकि आपने हर चीज़ खुद कंट्रोल करनी होती है। वेयर एज आप अगर नॉर्मल मोड पे चलाएंगे या स्टैंडर्ड मोड पे चलाएंगे तो उसमें क्या है कि आप GPS पे रहोगे, लेकिन ये जो आपका ड्रोन है ना इसका क्रैश होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब इसी तरह जो उसमें जो FPV है उसमें S जो है वो स्पोर्ट मोड है उसके, यानी कि इसमें स्टैंडर्ड है उसमें स्पोर्ट है, यानी फर्क इतना है, S तो है लेकिन उसको स्पोर्ट मोड कहते हैं, साथ नॉर्मल मोड कहते हैं और साथ मैनुअल मोड कहते हैं। ये FPV में और इसमें फ़र्क है। लास्ट टाइम मैं उसके अंदर मैं बोलते हुए वो गलती कर गया था कि मैं उस मिक्सिंग कर गया था इनके साथ ही, तो उसके अंदर भी वो जो आपको बताया कि स्टैंडर्ड नॉर्मल और मैनुअल, उसके सॉरी स्पोर्ट फिर दोबारा में भूल जाता है, स्पोर्ट नॉर्मल एंड मैनुअल मोड, ये है FPV का। इसके अंदर है स्टैंडर्ड मोड है, स्टूडेंट मोड कह सकते हैं, स्टार्टर मोड कह सकते हैं, यानी कि ये मोड नाम तो वही है लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क उन्होंने डाल दिया, लेकिन इसके अंदर काम वही है कि दोनों के दोनों S और N मोड जो है वो जो इसमें चलते हैं क्या कहते हैं GPS के ऊपर, मैनुअल मोड इसका जो है वो चलेगा इस पे आपके अपने यानी कि जितनी आपने लर्निंग की है उसके ऊपर अपने कंट्रोल करना है। याद रखिएगा, मैं एक अपने एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ, और मुझसे तभी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मेरे दोस्त ने मुझसे एक ड्रोन लोन लिया था तो उसने इंडोर इसको चलाया था, इंडोर। अब बात ये होती है कि आपने इसको आउटडोर पे कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, ठीक है, इसकी कंपस शंपस सारा कुछ उस पर सेट की हुआ है। अगर आप किसी इंडोर चले जाते हो जहाँ पे कम्युनिकेशन भी है, वहाँ पे RDA बहुत सारे सिग्नल्स हैं, तो क्या होता है कि ये जो ड्रोन और रिमोट का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है ये डिस्कनेक्ट भी हो जाता है या इसके अंदर माल फंक्शन हो जाता है, जिसकी बिना पे एक्सीडेंट होने का अंदेशा है। तो मेरे दोस्त ने क्या किया था कि मुझसे ड्रोन लेकर वो ले गया, और उसने जब इंडोर चलाया, उसको मैंने मना भी किया था, तो उनका अपने घर का TV जो था उसने उसको डैमेज कर दिया था। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो आपको एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे ज़रूर आप लिख के भेज सकते हैं,
और उसमें मैं आपको डिटेल में जवाब दे सकता हूँ। मैं तो सिर्फ आपको जो अपने मेरी हॉबीज हैं उसके हिसाब से आपको तारफ करवाता रहता हूँ कि मेरे पास जो मेरे ड्रोन्स हैं उनको मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ और कहाँ कहाँ इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन इट्स अ वेरी गुड हॉबी कि आप इसको यानी कि अपने आप को मसरूफ रख सकते हैं। अगर आप जैसे मेरी तरह जो बंदा व्हील चेयर पे है और उसके पास काम काज नहीं है, तो एटलीस्ट बजाय कि आप डिप्रेशन में जाएं, स्ट्रेस में जाएं, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, वीडियो शीडियो बनाएं। मैं कहता हूँ आप ना भी किसी को दे, खुद ही आप टीवी पे बैठ के देखेंगे, आप इंजॉय करते हैं, ऐसी ऐसी जगह देख लेते हैं कि जहाँ पे आप चढ़ नहीं सकते या जहाँ पे मेरी व्हीलचेयर भी नहीं जा सकती। तो बहरहाल अभी का जो मेरा वीलॉग था वो ख़त्म होता है इस पे, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे राबता कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।